बाबा से बदन ना रे सलवार एक बार फिर बाबा से बदन ना रे सलवार हजरत मैं तमाम सामईन का शुक्रगुजार हूँ और उन सबका शुक्र ये सज्जादिया मिशन की आज आखिरी मजलिस है ये भी इसके बाद जुलूस बरामद होगा आप हजरात ज़ियारत करेंगे और बहुत से सलाम पढ़ने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वक्त आप ही देखिए कि कितना वक्त हो गया है अगर आप सलाम पढ़ेंगे तो जाकिर मेंबर पे क्या पढ़ेगा बाबा से बना धर है सलवार और मैं उनसे जो भी सलाम पढ़ने जैसे इतन भाई हैं और भी हमारे बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे तशना रह गए हैं आज मैं उनसे बहुत हाथ जोड़ के माजरत कर रहा हूँ कि आज उनको जो मौका नहीं मिल पाया है इंशाल्लाह ताला अगली साल अगर हयात रही हम लोगों की फिर से फर्शे अदा बिछी तो ज़रूर से ज़रूर सबको फिर से मौका दिया जाएगा। शायर कहता है मद्दा फैजाबादी कहते हैं कि मातम से जो सीने पे निशा पड़ते हैं मद्दा मातम से जो सीने पे निशा पड़ते हैं मद्दा वो दाग नहीं मोहर है शब्बीर के गम की वो दाग नहीं मोहर है शब्बीर के गम की। हजरत मैं तीन तीन नाज़िम यहाँ पे बैठे हुए हैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे अशरे के जो जाकिर हैं जनाब तफसीर अब्बास अब्दी साहब जिन्होंने बड़ी ही मुजर्रब तकरीर की है और मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनकी वजह से जो सामईन ने अपना इंटरेस्ट क्रिएट किया है महफिल मजलिस में आने का कि क्या कल वो क्या पढ़ेंगे कल वो क्या पढ़ेंगे और जिस तरीके से उन्होंने सजदे को समेटा है मैं समझता हूँ कि ये उनका ही फ़न है और किसी दूसरे का फ़न नहीं है। बाबा से बदन नारे सलवार ये मजमा जो है जो भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि सज्जादिया मिशन कर रहा है इसलिए आ रहे हैं इसलिए आते हैं कि जाकिर क्या पढ़ रहा है जाकिर क्या तबसरा कर रहा है अहले बैत के शान में। तो मैं फिर से कल की तरीके से रूटीन को घुमाते हुए इस बात को मैं गुजारिश करूंगा जनाब जीशान साहब से कि वो शान हैदर साहब को बुलाएं शान हैदर साहब से ज़्यादा वक्त मत लीजिए आपको मालूम है कम से कम आप मजमे को इस तरीके से आमादा कर देंगे फिर मौलाना साहब को उतनी आमादगी के लिए जहमत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा से बुलंद नारे सलवार मैं जनाब ईशान साहब से गुजारिश करूंगा कि जनाब शान हैदर साहब को बुला लें और जनाब शान हैदर साहब से गुजारिश करूंगा कि मौलाना आफ्ताब साहब को बुला लें और मौलाना एक दूसरे को है सभी अपने अपने मतलब बराबर क्या सब एक दूसरे के मतलब किसी को हम किसी से कम नहीं समझ सकते। तो जो भी है वो जो मौलाना शान हैदर साहब हैं ज़ाहिर आले ज़ाकरी के फ़नकार हैं वो और मेंबर उनका है और यहाँ के वो पेशिमाम हैं और वो जो है मौलाना आफ्ताब साहब को बुला लेंगे और आफ्ताब साहब दो चार मिनट के अंदर सीधे क़िबला को मिंबर पे रूबरू करेंगे आपके सामने बाबा से बुलंद नारे सलवात। और मैं फिर शुक्रगुजार हूँ तमाम आवाम का अवाम मालूनी का कि जिन लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है बाबा से बुलंद नारे सलवात।